हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपसे आज बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा था। उसका रीज़न ये है कि मेरी समर वेकेशंस चल रही थी, स्कूल बंद थी, तो मैं कहीं बाहर गया था, घूमने गया था, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया। लेकिन ये जो 2 महीने मैंने वीडियो नहीं डाला, इसके बावजूद भी आपका जो सपोर्ट मेरे साथ रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। आप सब ने बहुत सपोर्ट, उस सारे सपोर्ट के लिए मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाह रहा हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हो, आपका मन करता है सपोर्ट करने का, है ना, तो इसलिए मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ। और वीडियो क्यों नहीं आई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया, मैं कहाँ गया था वो सब मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल दिया कि मैं कहाँ पर गया था, तो आप उसका सारे फोटोज़, आप उसकी वीडियोस, रील्स, जो भी आप देखना चाहोगे वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो उसका यूज़र नेम जो है वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया, तो आप इस पे जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो टाइटल थंबनेल आपने जो देखा, आप जानते ही हो, है ना। तो गाइस, वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट ए बुक रिव्यू, है ना। तो गाइस देखिए, ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ है बुक रिव्यू, ये आपको क्लास 10th में तो शायद नहीं, लेकिन 11th और 12th में आपको देखने को मिल सकता है। और 12th में तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, 11th में शायद 50% चांस है, ज़्यादा नहीं, लेकिन 12th में आपको 100% एक बुक रिव्यू लिखने को आएगा। एग्जाम्स में भी आएगा, शायद एग्जाम्स में भी आएगा, इतना मेरे को अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरी बुक में है। और उसके पूरे उस पर पूरा मतलब पूरा एक टॉपिक उस पर है पढ़ने के लिए, तो शायद पेपर में आया क्योंकि मेरे को सर ने दिया था, ठीक है। तो देखिए गाइस, बुक रिव्यू बेसिकली होता क्या है, आपको बुक रिव्यू लिखने से पहले ये समझना होगा कि बुक रिव्यू होता क्या है। देखिए गाइस, बुक रिव्यू एक बुक का शॉर्ट समरी है। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, तो उस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, वो बुक किस टॉपिक पे है, उस बुक में क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी है, वो सबको आपको एक शॉर्ट समरी में आपको उसे एक्सप्लेन कर देना है, बस, और कुछ नहीं है बुक रिव्यू, ठीक है ना। बुक जो जैसे मान लीजिए आपकी बुक 200 पेजेस की है, तो आप वो पूरा तो आप लिखोगे नहीं, है ना। तो वो जो पूरी बुक में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या चीज़ बुक में है, तो वो आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। इसको कहते हैं बुक रिव्यू। अब देखिएगा इस बुक रिव्यू लिखना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। देखिएगा इस सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो क्या है, कि सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ या फिर एक से थोड़ा ज़्यादा पैराग्राफ, 1.5 पैराग्राफ में आप उस बुक के बारे में लिख सकते हो कि बुक में मतलब हो क्या रहा है, मतलब बुक में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में आपको लिखना है कि मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये आप बुक रिव्यू में स्टेप 2 मत डाल देना, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, ऐसे नहीं, पैराग्राफ वाइज करना है। वो तो मैं आपको स्टेप में कह रहा हूँ कि आपको इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा। तो स्टेप 2 में क्या है, आपको बुक में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, ठीक है ना, जो चीज़ आपको बुक में बहुत अच्छी लगी उसको आप एक्सप्लेन कर दो एक पैराग्राफ में, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा 2 पैराग्राफ में, ठीक है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं। फिर स्टेप 3 क्या है, आपको बुक में कौन सी चीज़ बेकार लगी, कौन सी चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी, कि ये नहीं होना चाहिए था, इसमें ये भी दिया गया है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, तो वो सब आपको जो भी आपकी बुक है, जो जिस पे भी आप लिख रहे हो, वो सब आप उस पर स्टेप 3 में आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जो आपको पॉजिटिव नहीं लगा, जो आपको बेकार चीज़ लगी, ठीक है ना, तो आप वो सब उसको आप स्टेप 3 में लिख सकते हो। फिर स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 में आपको राउंड अप योर रिव्यू, ठीक है ना, बुक के में आपने जो भी रिव्यू लिखा उसको आपको राउंड अप में आपको पूरा लिख देना है, ठीक है ना, ये आपका हो गया स्टेप 4। अब स्टेप 5 में आपको, आप चाहो तो आप उस पर उस बुक को आप रेटिंग दे सकते हो कि आपको 10 में से कितना आपको वो बुक अच्छी लगी। जैसे मान लीजिए एक बुक आपको बहुत अच्छी लग गई हो, तो उस बुक को आप रेटिंग दे सकते हो 10 में से 8.5, 9.5 फुल भी दे सकते हो, ठीक है ना। और जो बुक आपको थोड़ी ठीक ठीक सी लगे कि हाँ मतलब ठीक है ना, तो आप उसको 6, 5.5, 6, 7 तक आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका होगा स्टेप 5। तो गाइस ये थे 5 सिंपल स्टेप
जिसमें आप एक बहुत अट्रैक्टिव बुक रिव्यू लिख सकते हो। डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने भी लिखा है और बहुत सबको पसंद भी आया है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो जो थी, जो मैं बहुत टाइम के बाद डाल रहा हूँ, वो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना चैनल पर। अगर अभी तक नहीं, अगर आप आए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना। और अगर पहले से हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वीडियो देखते हो, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है ना। और बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है डालने में, और मैं अब से कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।